हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं चिकन करी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए 700 ग्राम चिकन और 300 ग्राम प्याज ली हूँ। ये काफ़ी टेस्टी बनता है। सबसे पहले तेल को गरम कर लेना है। जब तेल गरम हो जाए तो 3-4 लाल मिर्च तोड़कर डाल दें, थोड़ा सा जीरा डाल दें। जब ये चटकने लगे तो 2 टुकड़ा अदरक का डालें, प्याज लहसुन डाल देना है। मैं 300 ग्राम प्याज डाली हूँ, 8-10 कलियाँ लहसुन का डाल रही हूँ। इसे अच्छे से फ्राई करना है। जब हाफ फ्राई हो जाए तो इसका 1/4 भाग निकाल लेना है। ये हाफ फ्राई हो चुका है। मैं इसका 1/4 भाग निकाल ले रही हूँ। अब इसमें चिकन को डाल देना है। ये ध्यान रहे कि चिकन को अच्छे से वाश करना है, कम से कम 4-5 पानी से ज़रूर वाश करके डालें। नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी छोटा चम्मच से 1 चम्मच, छोटा चम्मच से 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर। इसे हाई फ्लेम में ही रोस्ट करना है, कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसे रोस्ट होने दें। अब इसमें से पानी छोड़ने लगा है। जब पानी छोड़ने लगे तो 3 से 4 चम्मच धनिया पाउडर डाल दें। एक चम्मच लाल काश्मीरी मिर्च डालें। और घर का पिसा हुआ गार्लिक ही डालें। रेडीमेड गार्लिक में कुछ खट्टापन होता है, इसलिए घर का पिसा हुआ गार्लिक डालना चाहिए। और मैं जो 1/4 भाग निकाली थी प्याज लहसुन और अदरक, वो मैं ग्राइंड करके इसमें डाल रही हूँ। इससे ग्रेवी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब फ्लेम को मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम में भी 4 से 5 मिनट तक मसाले को भूनना है। इसे अच्छे से चलाते हुए भूने, कहीं से चिपकना नहीं चाहिए। अब जब मसाले अच्छे से भुना गए हैं, 4 मिनट मुझे लगा भुनने में, मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाली हूँ और लाल तीखी मिर्च मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। तीखापन ज़्यादा पसंद हो तो आप मिर्च और भी डाल सकते हैं। इसे भी डालकर कम से कम 2 मिनट तक अच्छे से भुनना है। अब इसमें से तेल निकलने लगा है और मसाले अच्छे से भुना चुके हैं। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आप अपने ग्रेवी के अनुसार पानी डालें। आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद हो तो ज़्यादा डालें, कम हो तो कम डालें। और फिर इसे कवर करके कम से कम 7-8 मिनट तक मीडियम फ्लेम में छोड़ना है। इसे बीच में कभी कवर ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि चिकन पक जाता है और मसाले भुना नहीं पाते हैं, इसलिए मैं एकदम लास्ट में कवर कर रही हूँ। ये हमारा 8 मिनट हो चुका है। यदि लगे आपको कि ग्रेवी और गाढ़ी चाहिए तो आप
दो मिनट तक और पका लें। ये तो मेरा पक चुका है चिकन, अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ग्रेवी गाढ़ी होती जाएगी। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल ले रही हूँ। देखिए इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आया है, इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये अच्छे से पक चुका है, इसकी ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी है। कभी आप ज़रूर ट्राई करें। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।